बड़ा गुस्सा कर दिया, बेटा ये क्या है, मैंने बता दिया जो ऐसे हालात है। बोला तू बौड़ा है, ये 250 रुपये मिले तनख्वाह भी बदेंगी और तू इतना इंटेलिजेंट लड़का है, प्रमोशन भी होगी तेरी। बोला तेने सिफारिश की जरूरत को नहीं, अब तक की कोई सिफारिश कराई। बोला तू भाई मेरा क्या मान जा, कोई बात नहीं। बोला दुखी सुखी पा ले, मेरे दिमाग में कोई नहीं आई साड़ी। बोला अच्छा तुमने कर दो नहीं छुट्टी ले ले और तजुर्बा कर ले। मम्मी ने करा था वो खाई पर फोटो खालने मेरी में उठा है बाजी, आप तो ठीक हो थे भाई, उसकी शिक्षा थी देख लिया। पांच चार महीना प्रमोट करा दिया उसने, सीएम से कह के मुझे इनाम दिलाया, मेरे पास सर्टिफिकेट है इनाम के कुछ स्पेशल लिखे ने, तो इतनी मेहनत करी हुई यार, ये जितने बच्चे लगाए ना तो या तेरी मार कह दम तब भी लग गए सारे को मेहनत करके, मैंने किसी की सिफारिश नहीं कराई, सबको लगवाया है। प्रकाश को लगवाया कितनी अच्छी पोस्ट पे, किसी पॉलिटिकल आदमी की सिफारिश नहीं थी, मेरी अपनी थी, बल्कि बंसीलाल का राज में थी। इसको बी एड में दाखिल कराया था मैंने, निबला मास्टरी तो मैं कौन करूँ, प्रकाश कमेटी में जगह लिखी आई, पहली जगह लिखी थी, मन एक दरख्वास्त ली थी भाई, इंटरव्यू आ गया, 18 वैकेंसी थी, तो आदमी हो गए उसमें 50-60 इतना ही सोता था जी। मैं उस अफसर से मिला, मैं जाना था वो हाईएस्ट था, इन्होंने बोला भाई बंसी लाल की लिस्ट आ रही 18 की 18 और तो थोड़ा हाई काम था, उसके चेयरमैन है इसका उद्देश्य वो कर देते कि नहीं, उससे मिल ले मैं वहाँ, उसने जानू मैं उद्देश्य। उन्होंने बोला भाई और आंता हम झूठ बोलते हैं, मैंने मेरा भतीजा पाँव पकड़ के लिस्ट में खड़ा, तो आज मारी तो फिर बंसीलाल तक पहुँचने न कोई उस पार्टी से अपने ताल्लुक है, ज्ञान सुना हुआ था उसका। बोला अच्छा कोई बात नहीं, नहीं तो मैं तो देखूँ था तू तो, इतना रसू खाड़ा तहसीलदार है। अगला दिन 19 क्रिएट कर दी, क्रिएट तो उसने करनी थी, 18 के बजाय 19 करके फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट कर दी। अच्छा इसी तरह तेरे पापा जी को 10 जगह लगवाया मैंने, तेने के बेरा हुआ रोजगार विभाग में आ गई एक पोस्ट थी, वह न्यू के जो चेयरमैन था नहीं उसमें एक मका, उसने अपना भतीजा लगवा रखा था 90 जनाली में और वो कन्फर्म करना था बटन सीधे इंटरव्यू ले, तो मुखिया कितने आवा उसमें चुपक दे सी, वो मेरे दौर राग था नया दफ्तर खुला था के वैसे टाइपिस्ट से दफ्तर वैसे ये दर्ज करे हैं रोजगार का ये लाल नौकरी में दर्ज करे हैं रोजगार है भाई पूरा एक दिन तो उसने मेरे बता दिया गुलाब जामुन ले होगे गरम है गुलाब जामुन खाओगे मैं तो खाऊं कौन आज दादाजी तीन रोटी बाजरे की खा रहे प्लेट रुको एक मिनट प्लेट लाऊंगी तो मैं अपने दरे उसका इंटरव्यू आ गया भाई हाँ जी मैं इंटरव्यू आ गया जिसने ले जाएगा प्रेम प्रशांत ले गया हुआ था चीफ सेक्रेटरी हाँ तो सुना होगा तुमने मेरा बड़ा अच्छा दोस्त तेरे साथ था उसके पास ले गया नुबला उसका तो वो मुखर्जी है सेक्रेटरी उसको अभी बुलाता हूँ आइए था बंगाली को वो बुला लिया बोला ये भाई मेरा लड़का है इसको करना बोला जो तुम्हारे चेयरमैन का लड़का है उसको कन्फर्म खातर रोल सी करा बोला साले वो ऐसे बोलते हैं साले तेरा क्या बिगाड़ेगा चेयरमैन हिमाचल में बदल देगा ऑर्डर दे दे यहीं दे दे मुझे नहीं पता सटन में बुलवा के ओडा ऑर्डर करा दी जिद्दी और लगवाया था भाई पापा इब तो सारे नु कहते हम तो आपके लाग गए थे या भी कहते आपके लाग गए अच्छा आपके लागे लाग तो गए मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी औलाद सारी ठीक मेहनत करने लग रहे हैं मेहनती है खुद लग रहे हैं मुझे तो बहुत खुशी इस बात की लेकिन जो तो इतना तो दिमाग आ गया हो काम एक दिन और तेरा जो हो रही थी बात हम तो अब पे करा था पड़ा सब पंजाब में कहा था जमा तो पीढ़ा भी कौन जाएगी तो रोड लाई क्या बना तुम्हारे बुराया कौन जाए ठीक है।